देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी यूटिलिटी वाला चैप्टर, हम लोग इस चैप्टर में दो चीज मेजर पढ़ते हैं, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। देखो यहाँ पे सामने ही दिया है, पहले यूटिलिटी का मीनिंग पढ़ते हैं, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं अंडर कार्डिनल अप्रोच, एक पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। अब ये है क्या? कार्डिनल अप्रोच का मतलब है नंबर्स में मेजर करना, और ये अल्फ्रेड मार्शल दिया था। कार्डिनल अप्रोच अपने को अल्फ्रेड मार्शल दिया था नंबर्स में चीजों को मेजर करने का तरीका, और ऑर्डिनल अप्रोच बोला आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते, आप प्रेफरेंस बेसिस पे मेजर करो। अगर हमको दो टाइप का जूस दिया गया है तो हमको जूस वन ज्यादा पसंद आया जूस टू के मुकाबले, तो कार्डिनल अप्रोच मार्शल दिया था जो बोला नंबर्स में या यूटिल्स में यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन डेराइव बाय कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट, यूटिलिटी का मतलब इतना ही है, सेटिस्फेक्शन डेराइव बाय कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट। कार्डिनल अप्रोच बोला यूटिल्स को नंबर्स में या यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है, मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, कार्डिनल अप्रोच, अल्फ्रेड मार्शल यही बोला। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में आपको बोला गया एलन एंड हिक्स के द्वारा, ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया? एलन एंड हिक्स। वो क्या बोला कि यूटिलिटी को रैंक या प्रेफरेंस के बेस पे मेजर किया जा सकता है। अब कुछ पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का बात कर लेते, क्योंकि इस चैप्टर में सम भी आता है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ लो, जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है आपको हर प्रोडक्ट से सारा जोड़ लो, आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी का दो फॉर्मूला होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। तो ये आपका दो फॉर्मूला है। एक स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला होता है जो आपको पूछता है, आपको बोलेगा एम आर एस बताओ या एम आर ई बताओ। स्लोप ऑफ बजट लाइन को बोलते हैं एम आर ई, और स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व को बोलते हैं एम आर एस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, और मार्जिनल रेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब बजट लाइन। तो बजट लाइन का सिंपल फॉर्मूला प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, और मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, एम आर एस निकालने का फॉर्मूला चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। उल्टा है, देखो उधर में एक्स नीचे वाई था, यहाँ ऊपर वाई नीचे एक्स है। अब देखो आपको यहाँ पे माइंड मैप दिया, पहले जो अभी हम बोलने जा रहा था वो ये माइंड मैप है। क्या बोल रहा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कार्डिनल अप्रोच में तोड़ा गया, दो ऑर्डिनल अप्रोच में तोड़ा गया। तीन दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, उसका सारा यूनिट को कंज्यूम करके जो अवेलेबल है मेरे पास, हमको कितना टोटल फायदा मिला, टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके, मान लो हम 10 पीस खा चुके हैं, अब 11वां पीस खा के कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। इस यूटिलिटी अप्रोच को समझाने के लिए एक लॉ लिखा गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या बोला, किसी को याद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता था? कम ऑन ट्राई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता था? आर यू देयर जेनी? अनन्या सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। अनन्या अनन्या है कि लेफ्ट? नो प्रॉब्लम, चलो हम बता देते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम्ड, द एक्स्ट्रा यूटिलिटी और द एडिशनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम अ प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द एडिशनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम अ प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। मतलब जितना हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे, मेरा एडिशनल यूटिलिटी गिरता चला जाएगा। एक पीस खा के अगर 10 पीस जितना मजा आया, तो दो पीस खा के हमको 18 का मजा आएगा, 20 का नहीं। तीन खा के हो सकता है 24 का मजा आए, चार खा के 28 का, पांच खा के फिर 28 का, और छह खाने के बाद हो सकता है यूटिलिटी और नेगेटिव चला जाए। मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो डिराइव करते हैं हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके,
वो मेरे गिरता चला जाता है, मोर एंड मोर हम जैसे कंज्यूम करते हैं। क्लियर है ये? यस सर। अब आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता था। देखो कार्डिनल अप्रोच क्या बोला, मेजरमेंट इन नंबर्स, और यहाँ नंबर का मतलब पैसा का बात हो रहा है। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, बोलता है आप मेजरमेंट इन रैंक, आप नंबर में यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, आपको रैंक देना पड़ेगा। अगर हम चार मूवीज देखें तो पहला मूवी, तीसरा नंबर मूवी हमको सबसे ज्यादा पसंद आया, उसके बाद सेकेंड वाला, उसके बाद फोर्थ वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला, तो हम रैंक दे रहे हैं, हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सजा रहे हैं कि कौन सा हमको पहला अच्छा लगा, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। तो ये बोला एलन एंड हिक्स, और कार्डिनल अप्रोच में मार्शल बोला। ये भी एक अपना वो दिया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS दिया, और इन डिफरेंस कर्व अप्रोच से समझाया। बात करेंगे जब दोनों यूटिलिटी को अलग अलग बात करेंगे, पहले आते हैं इन दोनों ही, इन दोनों ही अप्रोच आपको, पहले आपका बात करेंगे हम कार्डिनल अप्रोच का। कार्डिनल अप्रोच को समझाने के लिए दो मेथड यूज किया गया, एक वन कमोडिटी, एक टू कमोडिटी। एक अप्रोच है वन कमोडिटी, एक अप्रोच का नाम है टू कमोडिटी अप्रोच। वन कमोडिटी अप्रोच मतलब एक पीस कंज्यूम किए हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हम एक ही कमोडिटी का बात कर रहे हैं, अगर जूस पी रहे हैं तो जूस ही पी रहे हैं। जबकि हम टू कमोडिटी अप्रोच में जूस के साथ कुछ स्नैक्स भी ले रहे हैं, शर्ट के साथ ट्राउजर भी ले रहे हैं। तो टू कमोडिटी अप्रोच मतलब दो प्रोडक्ट का कॉम्बो पैक ले रहे हैं, वन कमोडिटी अप्रोच मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो एक कमोडिटी का यूटिलिटी क्या निकल गया है, कैसे निकलेगा इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होना चाहिए। तुम जितना पे कर रहे हो उतना ही तुमको अगर यूटिलिटी मिल रहा है तो तुम एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो, तो तुम एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो। और अगर तुम ज्यादा पे कर रहे हो और कम यूटिलिटी मिल रहा है, यानी तुम नेगेटिव में हो, और अगर तुम कम पे कर रहे हो और ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, मतलब तुम सरप्लस में, तुम दे रहे हो 500 रुपया लेकिन तुमको लग रहा है अगर 600 भी मांगा होता तो दे देते हैं, लेकिन तुमको प्रोडक्ट 500 में मिला, तो एज ए कंज्यूमर तुम्हारे लिए फायदा होगा कि नुकसान, बोलो। हेलो, हम बोल रहे हैं अगर एक कंज्यूमर के रूप में तुम सोचे थे कि अगर दुकानदार 600 रुपए भी मांगा होता हम दे देते, लेकिन दुकानदार आपको 500 में देने को रेडी है, तो एज ए कंज्यूमर आपका बेनिफिट है कि नुकसान है? बेनिफिट, यानी आप सरप्लस में हो, यानी आपका सरप्लस इक्विलिब्रियम है, आप सरप्लस पे, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सरप्लस पे हो। और यही आप 500 में लेना चाहते हो, दुकानदार भी 500 में देने को तैयार है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और एक तीसरा होता है कि आप बोल रहे हो भैया 400 से ज्यादा हम नहीं खर्चा करेंगे, दुकानदार बोल रहे 500 के नीचे हम देंगे नहीं, तो आप लॉस में हो, डेफिसिट में। तो जब यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होता है सिंगल कमोडिटी के केस में, उसको इक्विलिब्रियम पोजिशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम पोजिशन कब होगा, जब यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होगा, जितना पे कर रहे हो उतना ही यूटिलिटी गेन कर रहे हो। टू कमोडिटी केस में क्या होता है, आपका दोनों प्रोडक्ट का यूटिलिटी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, एंड दोनों प्रोडक्ट का यूटिलिटी प्राइस के भी इक्वल होना चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, दोनों कमोडिटी का यूटिलिटी एक दूसरे के भी इक्वल होना चाहिए, एंड दोनों कमोडिटी का यूटिलिटी इक्वल टू मनी भी होना चाहिए, जो आप पे कर रहे हो इक्वल टू प्राइस भी होना चाहिए। इसीलिए देखो फॉर्मूला क्या लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई। मतलब एक्स से जितना यूटिलिटी मिल रहा है उसको प्राइस से डिवाइड करो, वाई से जितना यूटिलिटी मिल रहा है उसको प्राइस से डिवाइड करो, और दोनों का इक्वल आंसर आना चाहिए। और ये दोनों का यूटिलिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम, मतलब इक्वल टू मनी होना चाहिए। क्लियर है ये? तो अब आते हैं इसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन पे। तो देखो पहले यूटिलिटी का मतलब लिखा, द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी में जो ह्यूमन वॉन्ट को सेटिस्फाई करने का पावर है उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। यहां पे बोला दो कंडीशन है, पहले बोला कार्डिनल अप्रोच जिसको मार्जिन यूटिलिटी और मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, इसीलिए हम बोला था ये अल्फ्रेड मार्शल भी है। दूसरा अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच जिसको J.R. हिक्स दिया था, इसका एक भाई भी था, मतलब फ्रेंड भी था एलन, वो दोनों मिल के दिए थे लेकिन हिक्स का ही नाम रखा जाता है, तो J.R. हिक्स दिया ऑर्डिनल अप्रोच। तो देखो कार्डिनल अप्रोच में क्या लिखा है, स्टेट्स दैट सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर डेराइव्स
By consuming goods and services can be measured in number. पहला बात बोला नंबर में मेजर हो सकता है. कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यानी आपका यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं, मतलब वही नंबर में या मनी के टर्म में. अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी गुड्स एंड सर्विस दैट आर एबल टू डेराइव अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर विल असाइन हायर यूटिलिटी. जस्ट सेकंड होल्ड करो, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो. चलो कम किया. देखो कार्डिनल अप्रोच का तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तुमको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा अगर तुम ज्यादा यूटिल्स या ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे. और लास्ट बोलता है कार्डिनल यूटिलिटी क्वांटिटेटिव मेथड, ये क्वांटिटी में बात कर रहा है, नंबर्स में. अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोला, ऑर्डिनल अप्रोच बोला इट सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर. Rather, ordinal utility can be ranking system in which rank is provided to satisfaction that is derived from the consumption. आप rank देते हो. According to ordinal, the utility and goods and services that offer to consumer at higher level service is higher level of rank. जो आपको utility ज़्यादा दे रहा है जो product उसको high rank दोगे, जो आपको कम utility दे रहा है उसको low rank दोगे. यानी ordinal utility quality का बात किया. Cardinal approach या cardinal utility क्वांटिटी का बात कर रहा था, ऑर्डिनल क्वालिटी का बात किया. तो अब ये लोग पहले कार्डिनल को डिस्कस किया. देखो इस डायग्राम में आपको दिखा भी दिया है फॉर्मूला कैसे प्रूफ किया है. अगर आप एक यूनिट खा रहे हो आपको यूटिलिटी 40 मिल रहा है, दो यूनिट खा रहे हो सेकेंड यूनिट से आपको 30 का यूटिलिटी मिल रहा है, मतलब टोटल कितना मिल रहा है. अगर हम पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं मेरे को 40 का यूटिलिटी मिल रहा है, अगर हम सेकेंड यूनिट भी कंज्यूम करें हमको उसमें 30 मिल रहा है, तो टोटल कितना मिला अब तक 70. तो देखो TU का फॉर्मूला क्या लिखा, समिशन ऑफ MU. तो देखो सेकंड में टोटल कितना लिख दिया 70. थर्ड पीस खाए आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो आपका यूटिलिटी कितना हो गया 70 + 20 = 90. फोर्थ पीस कंज्यूम किया आपको 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, यूटिलिटी हो गया 100. फिफ्थ कंज्यूम किया आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मतलब अभी भी टोटल 100. और सिक्स यूनिट कंज्यूम किए तो आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब इतना खा लिए कि आप खाए तो वोमिटिंग हो गया, तो आपका यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया, तो टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग गया. और फिर बोला ये लोग कि टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल के दिखाओ. तो देखो वही किया, पहले यूनिट्स लिख दिया, टोटल यूटिलिटी लिख दिया. अब TU का डिफरेंस ही देखो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1. तो देखो पहला यूनिट से कितना टोटल यूटिलिटी मिल रहा है 11, दो खाए टोटल कितना यूटिलिटी मिला 21, यानी एक्स्ट्रा कितना मिला 10, तीन खाए टोटल यूटिलिटी मिला 30, एक्स्ट्रा कितना मिला 9, चार यूनिट कंज्यूम किए टोटल यूटिलिटी मिला 38, एक्स्ट्रा 8. तो एक चीज देख रहे हो, मार्जिन यूटिलिटी हमेशा क्या हो रहा है, मार्जिन यूटिलिटी हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और ये होते होते एक टाइम के बाद नेगेटिव भी हो जाएगा, तो MU हमेशा गिरता ही चला जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा. जबकि टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, ठीक से गौर करो, बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड स्लो हो रहा है. 11 से 21 10 बढ़ा, 21 से 30 खाली 9 बढ़ा, फिर 30 से 38 खाली 8 बढ़ा, 38 से 45 खाली 7 बढ़ा, 45 से 51 6 बढ़ा, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड कम हो रहा है, और एक टाइम के बाद कांस्टेंट होके गिरने लगेगा. डायग्रामेटिकली देखते हैं इस बात को ज्यादा बेटर होगा. ये देखो टोटल यूटिलिटी का डायग्राम देखो, पहले इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कर्व शेप में, मतलब इंक्रीज होने का स्पीड क्या है, इंक्रीज होने का स्पीड क्या है, कम होते जा रहा है, स्लो है, स्लो. एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो रहा है, देखो पी पॉइंट जहां पे है, पी नंबर पॉइंट, वहां पे टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पी है, मतलब कांस्टेंट हो रहा है, उसके बाद गिरने लग जा रहा है. और जब तक, अब देखो आपको दो चीज बोलेगा, TU का डायग्राम समझाओ, TU का डायग्राम समझा पाए, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट द बिगिनिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन अप टू अ पॉइंट इट विल गो, देन इट विल मैक्सिमम एंड स्टार्ट्स टू फॉल. अगर यही हम बोले MU का डायग्राम समझाओ तो आप क्या समझाते हमको अभी अभी, सर MU हमेशा गिरता ही चला जाएगा. अब दोनों का रिलेशनशिप समझो, तीसरा क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछे TU का डायग्राम समझाओ,
दूसरा क्वेश्चन हम बोला एमयू का डायग्राम समझाओ, तीसरा हम क्या बोला टी यू एमयू का रिलेशनशिप समझाओ। कोई समझा सकता है हमको तीन पॉइंट है इनके रिलेशनशिप में? ट्राई करो। कम ऑन कुछ तो ट्राई करो, डायग्राम देख के याद आया होगा इलेवन वाला बात। नहीं याद आया? चलो ठीक है हम बता देते हैं। जब टी यू इंक्रीज हो रहा है एमयू गिर तो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। जब टी यू अपने मैक्सिमम पे होगा यानी कांस्टेंट होगा एमयू जीरो होगा, और जब टी यू गिरने लगेगा एमयू नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको ये चार्ट भी समझा रहा था। देखो जब टी यू बढ़ तो रहा था लेकिन स्लो, एमयू गिरता जा रहा था। ये डायग्राम नहीं सॉरी ये चार्ट, ये जब टी यू बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, एमयू गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। जब टी यू कॉन्स्टेंट हुआ, देखो फोर्थ और फिफ्थ आइटम पे टी यू दोनों में 100 है तो एमयू क्या हो गया जीरो। यानी टी यू जब कॉन्स्टेंट हुआ या टी यू जब अपने मैक्सिमम पे पहुंचा एमयू जीरो हो गया, और जैसे ही टी यू गिरने लगा एमयू नेगेटिव हो गया। तो यही बात आपको ये डायग्राम भी समझा रहे हैं। व्हेन टी यू इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, MU is falling but positive. When TU reaches its maximum, MU becomes zero. देखो P वाला पॉइंट पे नीचे MU का डायग्राम देखो, exactly लाइन को टच करा x एक्सिस को, मतलब जीरो हो रहा है। And when TU starts to fall, MU becomes negative. तो आपको ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है और लॉजिक ध्यान रखना है, दोनों का मीनिंग बस। क्लियर है ये? Yes, sir. देखो यही बात आपको यहाँ पे लिख भी दी है रिलेशनशिप तीनों। When MU decreases, TU increase at a diminishing rate. When MU is zero, TU is maximum. When MU negative, TU starts to fall. और यार TU start diminishing. अब cardinal approach आपको बोला, ये logic को दो वे में समझाया जा सकता है, single commodity and two commodity या several commodity. देखो single commodity का formula बड़ा simple है, marginal utility of x by price of x equal to marginal utility of money. Marginal utility of x by price of x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। आपको एक प्रोडक्ट जितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है आप उतना ही पे कर रहे हो। अगर दोनों इक्वल है तो आप इक्विलिब्रियम पे हो, वरना नहीं। अब आपको इसी बात को तीन चीजों में समझाया। अगर एमयू ग्रेटर देन प्राइस होता तो क्या होता, मींस बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस, यानी आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा प्राइस के मुकाबले, तो आपका सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं इसको। व्हेन एमयू इक्वल टू प्राइस इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। एंड व्हेन एमयू इज लेस देन प्राइस, मतलब आपका यूटिलिटी कम है और आप पेमेंट ज्यादा कर रहे हो, इसको कंज्यूमर डेफिसिट या कंज्यूमर लॉस भी बोलते हैं। और यही बात आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सिखाया। अब देखो आपको एग्जाम में ये लोग क्या बोला, कंज्यूमशन बोला आपका 1 2 3 4 चार पीस आप कंज्यूम कर रहे हो। मार्जिन यूटिलिटी बोला पहला से 5 है, दूसरा में 4, तीसरा में 3, दूसरा में चौथा में 2 गिर रहा है, तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू एम वन है। देखो ये लोग 5 4 3 2 लिखा, अब क्या किया, प्राइस बोल रहा है 3 रुपया, दुकानदार बोल रहा हम देंगे 3 रुपया में, तो तुमको पहला यूनिट में 5 रुपया का मजा आ रहा है, दुकानदार तुमसे 3 ही रुपया ले रहा है, यानी तुम्हारा कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर तुम्हारा गेन या सरप्लस है 2 रुपया का, तो टोटल गेन 2 रुपया। नेक्स्ट प्रोडक्ट में तुम 4 रुपया देने को तैयार हो, दुकानदार तुमसे 3 लेने को तैयार है, तुमको अभी भी 1 रुपया का सरप्लस है, टोटल सरप्लस हो गया 3। तीसरा प्रोडक्ट में देखो तुम 3 देने को तैयार हो, दुकानदार 3 ही लेने को तैयार है, यानी नो सरप्लस नो गेन इक्विलिब्रियम, तुम्हारा अभी भी टोटल सरप्लस है 3। नेक्स्ट प्रोडक्ट में यानी चौथा प्रोडक्ट में तुम 2 रुपया देने को तैयार हो, दुकानदार 3 से कम देने को राजी नहीं है, तुम्हारा नेगेटिव सरप्लस हो रहा -1, यानी अब धीरे धीरे गेन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यह बात आपको जस्टिफाई करना था इस फॉर्मूला से कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। ठीक है, देखो यह बात इस डायग्राम से भी समझाया। 3 रुपए वाला लाइन को प्राइस का लाइन रखा, तुमको जब तक 5 और 4 का यूटिलिटी मिल रहा था तुम्हारा सरप्लस था, जब तुम्हारा यूटिलिटी भी 3 पे आ गया तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जब यूटिलिटी 3 से नीचे चला गया यानी प्राइस के लाइन से नीचे, इसको बोलेंगे डेफिसिट या सर नुकसान लॉस। ओके सर।
यही बात यहां से भी समझाया तो इसको आगे फायदा नहीं है बोल के। अब आता है टू कमोडिटी अप्रोच। यहां पे क्या बोलता है, दोनों प्रोडक्ट का यूटिलिटी एक दूसरे के भी इक्वल हो और दोनों प्रोडक्ट का यूटिलिटी मनी के भी इक्वल हो, तब तुम एज अ कंज्यूमर सरप्लस इक्विलिब्रियम पे हो, वरना नहीं। तो फॉर्मूला क्या बना, मार्जिनिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू एम होना चाहिए, वैसे मार्जिनिटी ऑफ प्राइस ऑफ वाई भी एम यू एम होना चाहिए, यानी मार्जिनिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ज्यादा मजा तुमको x में आ रहा है y के मुकाबले, तो तुम x कंज्यूम करने लगोगे। देखो एक बात समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे अपने आप चीजें पहुंचेगी ही पहुंचेगी, अल्टीमेटली चीजें अपने आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी ही पहुंचेगी। सर कैसे, जस्टिफाई कीजिए। देखो अगर तुमको x में ज्यादा मजा आ रहा है y के मुकाबले, तो तुम क्या करोगे, x का कंजम्पशन को इंक्रीज, कंजम्पशन बढ़ाओगे, और जैसे ही ज्यादा कंज्यूम करने लगोगे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने लगेगा एक्स के लिए, कम होने लगेगा, यानी अल्टीमेटली वो वाई के इक्वल आ जाएगा। हम अभी क्या बोले, एक्स का यूटिलिटी ज्यादा है, वाई का यूटिलिटी कम है, तो अल्टीमेटली तुम एक्स को ज्यादा कंज्यूम करने लगोगे। जैसे लॉ ऑफ मार्जिनिटी क्या बोलता है, मोर एंड मोर वी डू द कंजम्पशन आवर यूटिलिटी लेवल टेंड्स टू फॉल, मेरा यूटिलिटी लेवल गिरता जाता है। तो जैसे ही हम एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, एक्स का यूटिलिटी गिरेगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो यानी घूम फिर के ये इक्विलिब्रियम पे आ ही जाएगा। नेक्स्ट में वही समझाया, उल्टा, अगर यूटिलिटी ऑफ एक्स कम है वाई ज्यादा है, तो तुम वाई का कंजम्पशन ज्यादा करोगे, ज्यादा वाई खाओगे, वाई का यूटिलिटी गिरेगा और अल्टीमेटली दोनों इक्वल पे आ जाएगा। देखो फिर से लास्ट में दिखाया, दोनों इक्वल पे आ जाएगा। ये बात आपको एग्जाम में जस्टिफाई नहीं करना है, आपको केवल ये याद रखना है कि यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। ये देखो यहां एक बड़ा गजब का चार्ट समझाया आपको, और ये चार्ट डायग्राम में भी समझाएंगे हम। अगर एक दो तीन चार पांच छह पीस कंज्यूम कर रहे हैं, मार्जिनिटी ऑफ कमोडिटी एक्स पहला पीस से 26 है, पहला पीस से मार्जिनिटी ऑफ एक्स 26 है, दूसरा पीस में 24, तीसरा में 22, चौथा में 20, पांचवा में 18 और छठा में 16, ये तुम्हारा मार्जिनिटी गिरता जा रहा है। वैसे सॉरी वैसे वाई का यूटिलिटी भी पहला में 21, दूसरा में 20, तीसरा में 18, 16, 14, 12 गिरता जा रहा है। अब हमको बताओ कब कब कितना यूनिट ऑफ एक्स और कितना यूनिट ऑफ वाई लेने से दोनों में यूटिलिटी सेम आ रहे है? ऐसा कोई भी पॉइंट है जहां दोनों का यूटिलिटी सेम है? हाँ है, अगर चार यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम करते हो तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, उसी टाइम अगर दो यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 आएगा, दोनों यहां पे मैच हो रहे हैं। मेरा बात समझ में आया, चार यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम करोगे 20 यूटिलिटी आ रहा है, और दो यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम करोगे तो 20 यूटिलिटी आ रहा है, तब तुम बोलोगे कि चार एक्स और दो वाई का अगर हम कॉम्बिनेशन खरीदें तो मेरे को दोनों से सेम यूटिलिटी मिलेगी, है ना? यस सर। और कहीं पे ऐसा कोई मैचिंग आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं, पांच यूनिट ऑफ एक्स और तीन यूनिट ऑफ वाई ले तो भी 18-18 यूटिलिटी आ रहा है, और वैसे ही 6 यूनिट ऑफ एक्स, हाँ बोलो क्या, 6 यूनिट ऑफ एक्स 4 यूनिट ऑफ वाई, हाँ तो भी मैच करेगा, यानी तीन कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा, चार और दो का, पांच और तीन का, और 6 और 4 का। अब तुमको ये देखना पड़ेगा, मतलब ये तीन कॉम्बिनेशन में तुम कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदो तुम्हारे दोनों प्रोडक्ट का यूटिलिटी सेम होगा। ये बात क्लियर है एकदम? यस सर। अनन्या, अनन्या है कि लेफ्ट हो गई? सर वो लीव कर दी। अरे ठीक है, तो देखो इन दोनों से तुम्हारे यूटिलिटी सेम आ रहे हैं, लेकिन अब जेनी तुमको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदे। सर कोई सा भी खरीद लेते हैं ना, दिक्कत क्या है,
आया ना? Yes, नहीं, तेरा अब यूटिलिटी आपके पास पैसे का भी तो कांस्टेंट होगा। हाँ। आप बोल रहे हो कि चार और दो या पांच और तीन या छह और चार में से ले ले, लेकिन अब उनका दाम कितना बाजार में वो भी देखना पड़ेगा। मेरा बजट के बाहर जाएगा तो हम तो वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो कॉम्बिनेशन मेरा बजट को भी मैच कर जाए वही कॉम्बिनेशन मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि यही तो लॉ बोल रहा है कि यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू मनी यूटिलिटी भी होना चाहिए। तो तुम्हारे मनी के कॉम्बिनेशन से भी मैच कर जाना चाहिए वो, ठीक है? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे दिखाया अल्टीमेटली दोनों का यूटिलिटी जहां मीट कर रहे हैं वो वाला कॉम्बिनेशन मेरे लिए बेस्ट होगा। अब आ जाते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे, कार्डिनल अप्रोच खत्म, यही है कार्डिनल अप्रोच। अच्छा एक बात बोलना भूले, सिंगल कॉमोडिटी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं और टू कॉमोडिटी कंसेप्ट को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इक्वल मार्जिनल आना चाहिए ना, दोनों का यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का इक्वल होना चाहिए, इसलिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और सिंगल कॉमोडिटी अप्रोच को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ क्या बोलता है, मोर एंड मोर वी कंज्यूम माई एक्स्ट्रा यूटिलिटी टेंड्स टू फॉल। और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, द लास्ट रूपी स्पेंट ऑन बोथ द प्रोडक्ट शुड गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम जो अपना आखिरी रुपया भी खर्चा कर रहे हैं दोनों प्रोडक्ट के पीछे, दोनों प्रोडक्ट से हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तभी हम इक्विलिब्रियम पे होंगे वरना नहीं होंगे। अब आ जाते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे। ऑर्डिनल अप्रोच को सीखने के लिए लोग बजट का अप्रोच बताया, पहले बजट लाइन क्या होता है, यानी बजट लाइन का मतलब क्या होता है, तुम्हारे खरीदने का कैपेसिटी। यस सर, जो लाइन होगा जहां तक हम पे करने को रेडी है, उससे ज्यादा मेरा पे करने का मन नहीं है और उससे कम वाला कॉम्बिनेशन हम लेंगे नहीं, यानी क्योंकि हमको लगता है कि पूरा पैसा यूटिलाइज ही नहीं कर पाए अपना। यस सर, हमको पैसा बचाना नहीं है जेनी, हमको फुल मनी यूटिलाइज करना है। तो बजट लाइन का मतलब यही होता है कि लाइन ऑन विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कंज्यूमर जिस लाइन पे देने को रेडी है पैसा, ये बजट लाइन। अच्छा बजट लाइन नीचे की तरफ कब शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ कब शिफ्ट होता है बजट लाइन, ये बोल सकते हो? दो केस होते हैं बेटा, जब आपका बजट जब इनकम डिक्रीज होता है और इनकम बढ़ जाए तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और एक पॉइंट हो सकता है तुम्हारे बजट लाइन के डिक्रीज और इंक्रीज होने में, सर अगर वो सेम लेवल का सेटिस्फाई नहीं, अगर दोनों प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाए देनी तो तुम्हारा तो बजट बढ़ जाएगा ना खरीदने का। यस सर, और यही दोनों प्रोडक्ट अगर महंगे हो जाए तो तुम्हारा बजट गिर जाएगा, है ना। तो मेरा बजट इंक्रीज या डिक्रीज दो चीज से होता है, या तो मेरा इनकम या प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये दोनों बात दिमाग में रखना, एग्जाम में देता है कि बजट लाइन कब ऊपर नीचे हो सकता है। देखो पहला वाला बोला था केस वन में इनकम और इनकम इंक्रीजेस, और केस टू में क्या बोला, चेंज इन प्राइस। देखो यहाँ पे क्या मस्त लाइन ड्रॉ किया है, पहला वाला बजट लाइन था एक ए बी, बट सिर्फ जेनी वाई महंगा हुआ, एक्स का दाम उतना ही रहा, सॉरी वाई सस्ता, सॉरी पहले बजट लाइन ए बी था और वाई महंगा हो गया, एक्स का दाम वही का वही है। तो देखो वाई का डिमांड कम हो रहा है, एक्स के लिए देखो कोई चेंज ही नहीं। वैसे अगर जेनी उल्टा बोलते हम एक्स महंगा हो गया वाई सस्ता हो गया, वाई का वही दाम है, तो मेरा डायग्राम कैसा बनता है ऐसा। तो ये बात ध्यान में रखना, दोनों महंगा सस्ता हो जाए तो डायग्राम ऐसा बनता जेनी, एक साथ दोनों का प्राइस गिर गया घट गया तो डायग्राम ऐसा बनता, दोनों में चेंज। और अगर एक घटे एक बढ़े तो देखो डायग्राम ऐसा बनता है। तो ये ध्यान में रखना, लोग डायग्राम देखे कई बार बोल देता है इसमें इसका मतलब क्या समझाना चाह रहे। अब देखो कंज्यूमर क्या बोला, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोला, पहला बोला मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब तुमको अगर वो पर्टिकुलर, अच्छा पहला बात तो ये केवल और केवल टू कमोडिटी अप्रोच का बात किया, ऑर्डिनल अप्रोच में वन कमोडिटी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच क्या करता है, कंपेयर, वो रैंकिंग देता है, वो प्रेफरेंस चूज करता है कि हम कौन सा बेटर है कौन सा खराब मेरे लिए। Yes, तो यानी वहां तो एक कमोडिटी तो हो ही नहीं सकता ना, यानी एक होगा तो आप चूज किसको करोगे।
हम बोलेंगे आपको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है देनी, अब बोलो कोल्ड ड्रिंक अच्छा कि जूस अच्छा। आप बोलोगे सर आप अवेलेबल ही कोल्ड ड्रिंक पियो तो कैसे हम बोले जूस अच्छा कि बुरा। हम जब आपको कोल्ड ड्रिंक जूस दोनों ऑफर करेंगे और दो कमोडिटी में चूज करने बोलेंगे तभी तो काम बनेगा, तभी आप रैंक दे पाओगे। एक अकेले आदमी को रैंक कैसे दोगे? बोलोगे हम रेस में अकेले दौड़े फर्स्ट आ गए तो ये कैसे हुआ? तो रेस में दो जन को दौड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए टू कमोडिटी अप्रोच ही है, इसमें वन कमोडिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब ये बोला कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो पीस चार पीस, तीन पीस दो पीस, पांच पीस तीन पीस, एक्स वाई का ऐसे करके। तो आपको सारे कॉमोडिटीज में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करना है, आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ कोल्ड ड्रिंक दे दो जूस मत दो। आप बोलोगे काम करो दो कोल्ड ड्रिंक तीन जूस दे दो, या आप बोलोगे तीन कोल्ड ड्रिंक दो जूस दे दो, लेकिन आप दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ तो दोनों का लो भी। और जो कोई भी कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे आप उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको सारा सेम सेटिस्फेक्शन देगा। हाँ हायर वाला कर्व आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा। तो यही बात अब हम पकड़ते हैं यहां पे। ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? द इंडिफरेंस कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। देखो ये एक इंडिफरेंस कर्व है बेटा, और ये ए बी सी डी ई है ना जो भी, ये सारे वो कॉम्बिनेशंस हैं। देखो क्या दिखा रहे हैं, एक्स का वन कॉमोडिटी वाई का 25 पीस ले लो, ये कौन बता रहा है आपको कॉम्बिनेशन ए? एक्स का दो पीस वाई का 20 ले लो, ये आपको बता रहा है कॉम्बिनेशन बी। मतलब जैसे जैसे आप एक्स बढ़ा रहे हो बेटा वाई क्या हो रहा है? कम रहे, कम हो रहा है। जैसे जैसे एक्स कमाओगे तो वाई बढ़ेगा। और जब भी दो कॉमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कर्व हमेशा कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसीलिए ये पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा? इनडिफरेंस कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और रीजन क्या दिया? बिकॉज द टू वेरिएबल्स हैव इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट बोला इनडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कनकेव नहीं है, गुफा की तरह बंद नहीं हो रहा, खुल रहा है मुंह इसका। इसका रीजन क्या दिया? इसका रीजन ये बोला कि एक अगर मतलब एक कमोडिटी आप दो कमोडिटी में कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, दो कमोडिटी में आप कंपेयर कर रहे हो, इसलिए कर्व हमेशा कन्वेक्स है। और तीसरा फीचर क्या बोला इसका? इनडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए आपको चौथा प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी है। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? हायर कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। आईसी वन जो है, आईसी वन में आपको ई नंबर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, और आईसी टू में एफ, आपको एफ में ज्यादा मजा आएगा ई के मुकाबले। और ये क्यों होगा? पहले इसका रीजन जान लो, क्योंकि ई में आपको हम हो सकता दोनों का चार चार पीस दे रहा था, और एफ में हम एक का पांच एक का चार या दोनों का पांच पांच दे रहे, मतलब आपको ज्यादा आइटम मिलेगा हायर कॉम्बिनेशन में। तो ऑब्वियस बात है ना जेनी, जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा आइटम होंगे वो कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा पसंद आएगा। एक में अगर हम बोलते हैं जेनी चार शर्ट तीन ट्राउजर ले लो, और हम आपको दूसरे में ऑफर करते हैं जेनी पांच शर्ट और चार ट्राउजर ले लो, आप कौन सा वाला में आपको ज्यादा मजा आने वाला है? पांच चार में, सेकेंड वाला में। तो यानी आपको हायर कर्व हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि हायर कर्व में ज्यादा नंबर ऑफ आइटम होते हैं। और अब हम बात साबित करते हैं तीसरा वाला प्रॉपर्टी, कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करेगा, क्योंकि चौथा प्रॉपर्टी क्या बोला? हायर कर्व हायर सेटिस्फेक्शन। तो बेटा जेनी अगर एक चीज सोचो, ये जो डायग्राम दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे अभी तीसरा प्रॉपर्टी के लिए, इसमें एक बार आईसी वन का पॉइंट हाई है और एक बार आईसी टू का पॉइंट हाई, तो ये कैसे हो गया? अभी तो नीचे प्रॉपर्टी बोलता हायर कर्व हायर सेटिस्फेक्शन, तो ये कैसे हो गया कि एक बार कोई और हाई एक बार कोई और हाई है? हाँ? अगर हम बोले जेनी ए बी से बड़ा है, तो हम कभी भी कहीं भी जाके बोल सकते हैं कि आज बी ए से बड़ा होगी? नहीं। आप अपने भाई से बड़े हो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, या ऐसे लेते हैं मेरा एज हम आपसे बड़े हैं एज में, तो कभी ये हो सकता है क्या जेनी आपके और मेरी जिंदगी में रहते कि आपका एज मेरे से ज्यादा हो जाए? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर एक बार जो हायर हो गया वो हायर ही रहेगा।
है ना, तो वही बात यहाँ पे भी बोला, हायर कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देता है, इसीलिए दोनों कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और लास्ट प्रॉपर्टी बोला, ये जो आईसी कर्व है ना, देख लो कोई भी आईसी कर्व यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर रहे क्या? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा गैप है ना, एक्स से भी थोड़ा सा गैप है नीचे में और उधर में वाई में भी थोड़ा सा गैप आ रहा है कर्व के साथ। क्यों? क्योंकि जेनी अपने पहले ही तो बोले, अगर वाई को ये जेनी टच कर लेता, मतलब आप एक्स का ले रहे हो वाई नहीं ले रहे हो, मतलब आप शर्ट ले रहे हो ट्राउजर नहीं ले रहे हो, और अगर आप ये एक्स को टच कर लेता तो आप बोलते आप ट्राउजर ले रहे हो शर्ट नहीं ले रहे हो। और जेनी अपने बिगनिंग में बोले थे यहाँ पे हमेशा दो प्रोडक्ट होगा ही होगा तभी आप चूज कर पाओगे, ये टू कमोडिटी अप्रोच है, तो कोई भी एक आइटम जीरो नहीं हो सकता, तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी एक्सिस को या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करते। आखिरी पॉइंट पे आ रहे हैं, चैप्टर खत्म कर रहे हैं। ये वो डायग्राम है जो आपको समझाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला, खाली याद कर लेना, पहले भी बोल दिया था, प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, अगर कभी बोले एग्जाम में एमआरएस निकाल के बताओ तो प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। आप एक प्रोडक्ट, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट को पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, और ये करना भी पड़ेगा ना, ज्यादा शर्ट चाहते हो तो थोड़े ट्राउजर छोड़ने पड़ेंगे जिन, और ज्यादा ट्राउजर चाहते हो तो थोड़ा शर्ट छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक बजट कॉन्स्टेंट है आपके पास। अब ऐसा नहीं है कि अब अंबानी को मत एग्जाम्पल मिले, वो एक्सेप्शन है, वो पूरा का पूरा बिग बाजार खरीद लिया, आप बिग बाजार में खाली कपड़ा खरीद नहीं जाते वो पूरा बिग बाजार परचेज कर लिया, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट जनरली हम लोगों के नॉर्मल पीपल की लाइफ में मनी हमेशा एक कॉन्स्टेंट है, मनी एक रुकावट है, हम एक लिमिट से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अब देखो ये बात कैसे साबित किया, एक बजट लाइन ड्रॉ किया यानी आर और एस। अब देखो बहुत सारा आईसी कर्व ड्रॉ किया, तो देखो आर और एस वाला जो लाइन है उस पर तीन पॉइंट टच कर रहा है यानी टी ई डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू यानी आईसी वन का पॉइंट है और ई आईसी टू का। आप कौन सा वाला देखो, टी ई डब्ल्यू तीनों सेम सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि तीनों बजट लाइन को एग्जैक्टली टच कर रहे हैं। लेकिन आपको ज्यादा मजा किसमें आएगा, हायर कर्व वाला में। अभी तो ऊपर प्रॉपर्टी पड़े हायर द कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन है ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करोगे, टी ई डब्ल्यू? आपको तीन चॉइस अगर हम दे तो आप ई चूज करोगे, ई, क्योंकि देखो ई पे क्या है, टी में क्या है, एमआरएस इज ग्रेटर देन प्राइस, आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है प्राइस के मुकाबले, ई पे एमआरएस इक्वल टू प्राइस है और डब्ल्यू पे एमआरएस इज लेस देन प्राइस है, तो आप वही कॉम्बिनेशन चूज करते हो जहां एमआरएस इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई होता है। Yes, sir. ये था पूरा का पूरा इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। Yes, sir.